श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नत्वा सर्वेश्वरं देवं राधिकाराधनान्वितं हंस नारद नम्बारकान् श्रीजी परानुभूय श्री राधा। सर्वप्रथम श्री सद्गुरुदेव के चरणों में वंदन। परम पूज्य परम आराध्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी कुशाल गिरिजी महाराज के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजमान भगवान राधा सर्वेश्वर के चरणों में प्रणाम। आप सभी को राधे राधे। बड़े आनंद की बात है कि आज गौ माता के चरणों में बैठकर इस सत्संग का आनंद ले रहे हैं। और पिछली बार हमने बताया भी था कि स्वामी जी आएंगे, पर आप सबसे क्षमा चाहते हैं कि इस बार पूज्य गुरुदेव का श्री स्वामी जी महाराज का आगमन नहीं हो पाया, क्योंकि अभी जो भक्तगण मुकाम जा रहे हैं उन भक्तों की जो कतार है वो अभी तक उस गोलोक महातीर्थ में लगी हुई है। तो पूज्य गुरुदेव के पास एक क्षण का समय नहीं है, उन सब भक्तों से भेंट कर रहे हैं, तो इस कारण से पूज्य श्री स्वामी जी का आगमन नहीं हो पाया। पर कह तो नहीं सकते कि अगली बार गुरुदेव का आगमन होगा या नहीं होगा, पर आशा करते हैं और पूज्य गुरुदेव से कहेंगे कि उनकी अगली बार उपस्थिति हो, पर इस बार गुरुदेव नहीं आ पाए, इसलिए तो गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज नहीं आ पाए, किंतु हम सबको भक्ति भाव से इस सत्संग का आनंद लेना है, गौ माता की सेवा करना है, क्योंकि यही मनुष्य का परम धर्म है। क्योंकि भगवान ने चार आश्रम बनाए हैं और उन चारों आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ है ग्रस्त आश्रम। क्यों? क्योंकि ग्रस्त आश्रम से ही बाकी आश्रमों का पालन होता है। अगर सन्यासी भी होगा तो भी वो भिक्षा ग्रस्ती से ही लेता है। लेता या नहीं लेता है?
अगर सन्यासी होता है, अगर उसको भी भिक्षा की आवश्यकता होती है तो भी वो गृहस्थी के द्वार पर जाता है, भिक्षा मांगता है। गृहस्थाश्रम का ये सर्वप्रम धर्म है कि उसके द्वार पर जो आ जाए उसे कभी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब कोई हमारे द्वार से खाली जाता है, जब हम किसी को कहते हैं कि भैया हमारे पास नहीं है तुम यहाँ से चले जाओ, तो वो हमारे सारे पुण्य, हमारे घर की सुख शांति अपने साथ ले जाता है। इसीलिए आजकल घर में क्या होता है, क्लेश होता है। सास बहू के नहीं बनती, भाई भाई के नहीं बनती। क्यों? क्योंकि हम अपनी घर की सुख शांति तो उसके साथ भेज देते हैं। बोले भाई तू खाली हाथ जा रहा है और हमारे घर की सुख शांति भी ले जा। इसीलिए कभी भी अपने द्वार पर आए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ मत भेजिए। कुछ भी दो, कुछ भी करो, पर कभी खाली हाथ मत जाने दो। क्योंकि ग्रस्त आश्रम से ही सारे आश्रम और सारे जीवों का पालन होता है। इसीलिए श्रेष्ठ ग्रस्त आश्रम को बताया। इसीलिए ग्रस्त आश्रम के जो लोग होते हैं, दान धर्म करते हैं, पुण्य इत्यादि करते हैं कि हमारे घर में सुख शांति हो, हमारे जीवन में सुख शांति हो, हमारे परिवार में सुख शांति हो। पर आज क्या होता है, इतना कलयुग आ रखा है, इतना लोगों में भाव आ रखा है, मन में लालच आ रखा है कि नहीं आज मैं अपने भाई से ये ले लूं, आज मैं अपने परिवार से ये ले लूं। आज ऐसा घर आपको नहीं मिलेगा जिस घर में लड़ाई और झगड़ा ना हुआ हो, जिस परिवार में लड़ाई नहीं हो। लड़ाई किससे होती है? धन से होती है, मन में लालसा होती है। हमारी भागवत कहती है कि धन में 15 अवगुण है। कोई कहता है ना कि धन शुद्ध, धन हमारे लिए सबसे बड़ा है, धन के बिना जीवन नहीं होता, लेकिन उसी धन में 15 अवगुण होते हैं। और उन्हीं 15 अवगुणों के कारण आज इतना सब कुछ हो रहा है। पता है रावण ने जब मरते हुए क्या कहा था? कुछ लोग कहते हैं कि रावण बुरा था, कुछ लोग कहते हैं कि रावण ऐसा था। अगर आज के जमाने में कोई रावण भी बन जाए तो भी सबसे बड़ी बात है। आज इस कलयुग में अगर कोई रावण जैसा बन भी जाए तो भी बड़ी बात है, क्योंकि रावण की एक विशेषता थी कि कभी भी रावण ने मां सीता का स्पर्श नहीं किया था। दो कारण थे। पहला, रावण जानता था कि मां जानकी मैया है, जगत की जननी है, कोई साधारण नहीं है। दूसरा कारण, रावण को मां सीता से भय लगता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर मां जानकी की दृष्टि मुझ पर पड़ गई तो मैं जलकर भस्म हो जाऊंगा। रावण के पास सब कुछ था, लेकिन कभी मां सीता का हरण तो किया, कभी मां सीता का स्पर्श नहीं किया। ये रावण की विशेषता थी। और यहां तक कि जब रावण अंतिम मृत्यु सैया पे था, तब भी भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि अरे लक्ष्मण, तुम रावण के पास जाओ, रावण से शिक्षा लो, रावण से ज्ञान लो। और रावण ने क्या कहा पता है? बोले प्रभु, आज मैं हार गया, आज मेरी मृत्यु हुई है, तो पता है कारण एक है, वंश में भी मैं आपसे बड़ा हूं, मेरा वंश आपके वंश से बड़ा है,
मेरा बल भी आपसे अधिक है और आपसे बड़ा शिव भक्त हूँ, आपसे बड़ा मेरा साम्राज्य है, आपसे बड़ी मेरी प्रजा है, मेरी सेना है, सब कुछ मेरे पास आपसे ज्यादा है। लेकिन आज मैं हार गया तो कारण एक है कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं है, मेरा भाई मेरे साथ नहीं था। अगर मेरा भाई मेरे साथ होता तो आज जगत का मालिक भी मुझे नहीं हरा पाता, पर कारण यही था, प्रभु आपका भाई आपके साथ था। आप जीत गए क्यों? क्योंकि आपका भाई आपके साथ था। इसीलिए कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। रावण का भेद अगर विभीषण नहीं खोलता तो प्रभु श्री राम राम आज रावण का वध नहीं कर पाते। एक ही राशि है रावण की और प्रभु श्री राम की, और सब कर्मों का खेल है। तब रावण ने कहा, प्रभु इतनी सी गलती हो गई कि मैंने विभीषण को अपने साथ नहीं रखा। यही रावण ने मरते हुए शिक्षा दी थी कि अगर आपका परिवार, आपका अपना कोई आपके साथ नहीं है तो समझ लेना आपकी हार निश्चित है, क्योंकि वो सारे भेद आपके जानता है। क्योंकि साथ रहने वाला तो सारे भेद जानता है। इसीलिए कहते हैं चाणक्य इत्यादि सब कहते हैं कि जिसके पास अपने सारे भेद हो उस व्यक्ति से कभी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, पता ना कि वो फिर क्या कर सकता है। जो भेदी होता है वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए कभी भी अपने भेद किसी को नहीं देना चाहिए, अपने मन की बात कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। रावण ने कहा कि अगर जीवन में कुछ करना है तो अपनों के साथ सदैव रहना, चाहे कुछ भी हो जाए अपनों का साथ कभी मत छोड़ना। आज क्या होता है, पिता के 12 दिन नहीं होते उससे पहले धन संपत्ति के लिए लड़ाई होती है, होती या नहीं होती है? चिता को आग बाद में लगती है, पहले बंटवारा होता है। और चिता को आग भी बड़ी जल्दी लगाई जाती है कि कहीं भैया जल्दी आग लगा दो वरना ये जिंदा ना हो जाए। इसीलिए आज इतने अपराध, इतने पाप बढ़ते जा रहे हैं, इतनी दुर्दशा धर्म की, गौ माता की, आज हमारे तीर्थ स्थानों की हो रही है। इसका दोष किसी और को नहीं जाता, हम सबको जाता है। हम दूसरों में कमियां निकालते निकालते अपने दोष, अपनी कमियों को नजरअंदाज कर देते हैं। एक बात बताओ, आप अपने घर की छत पर खड़े हैं और अपने घर की छत पर खड़े रहकर क्या आप अपने घर को देख सकते हो? नहीं देख सकते। आप दूसरों के घरों को देख सकते हो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यही हमारे जीवन में होता है, हम अपने दोष नहीं देखते, हम अपने अवगुण नहीं देखते, हम अवगुण दूसरों में निकालते। इसीलिए किसी के अवगुण देखने से पहले उसके गुणों को देखो कि उसमें क्या विशेषता है, क्या गुण है। यही प्रभु करते। चाहे भक्त कितना भी कैसा भी क्यों ना हो, भक्त उसके जो गुण होते हैं, मेरे ठाकुर उसके गुणों को देखता है, उसके अवगुणों को नहीं देखता, उसके भाव को देखता है। राज वही होता है, इंसान के अवगुण देखे जाते हैं, उसके गुण नहीं देखे जाते। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमने अपने धर्म को ठुकरा दिया, अपनी सभ्यता को छोड़ दिया, आज हमने सब कुछ
अपने हाथ से निकाल दिया। क्या है हमारे पास? आज हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं, गलत राह पर चलते हैं, अपनी मनमानी करके उल्टा कार्य करते हैं। आपको शायद मेरी बात बुरी लगेगी, पर हकीकत यही है कि आजकल माता पिता ये देखते हैं कि हम अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर दें, पढ़ा लिखा कर उनको, उनके लिए धन संपत्ति इकट्ठा करके उनको सौंप दे, बस हमारा इतना काम था जो पूरा हो चुका है, यही सोचते हैं। लेकिन यहां पर इतना कार्य माता पिता का नहीं होता है। माता पिता का कार्य होता है अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे। आज अगर माँ बाप के बीच लड़ाई भी हो रही होगी तो उस बच्चे के सामने लड़ाई करेंगे। अगर बच्चा होगा छोटा घर में, उस बच्चे के सामने लड़ाई होती है, घर में होती है, तो क्या उस बच्चे पर बुरा असर नहीं पड़ेगा? क्या वो बच्चा अपने मन में बुरा भाव नहीं लाएगा कि आज मेरे माता पिता ऐसे झगड़ रहे हैं, आज मेरे माता पिता के बीच में ऐसी लड़ाई हो रही है? बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना, उनको पढ़ा लिखा कर छोड़ देना, यहां तक हमारा धर्म पूरा नहीं होता, क्योंकि बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना तो पशु भी करते हैं। ये कार्य पशु पक्षी भी करते हैं। किसी भी पशु पक्षी को देख लेना। लेकिन हमारा कार्य है कि अपने बच्चों को सही राह पर चलना सिखाएं, अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा दें, अपने बच्चों को संस्कार सिखाएं। हम अगर बच्चे को उसकी गलती पर नहीं रोकेंगे, उसकी गलती पर नहीं टोकेंगे, तो वो बच्चा आगे जाकर बड़ा बनकर बड़ा अपराध करेगा, बड़े होकर बुरे बुरे कर्म करेगा। इसीलिए कभी भी अपने बच्चों को लड़ाई झगड़े के मोल से दूर रखें। अगर आपके परिवार में, अगर आपके बीच में कभी अनबन भी हो जाए, तो बच्चों के सामने आप ऐसे शब्दों का चयन ना करें कि आगे चलकर उन शब्दों का असर आपके बच्चों पर पड़े।